नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ संगीता। रामनगर में अवैध नशे के खिलाफ कोतवाली पुलिस का लंबे समय से अभियान लगातार जारी है। अभियान के तहत कई नशे के सौदागरों को कोतवाली पुलिस अब तक जेल की सलाखों के पीछे भेज चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी रामनगर के कई इलाकों में नशे का अवैध कारोबार अभी भी जारी है, जिसको लेकर पुलिस लगातार नशे का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान चलाने में जुटी है। इस दौरान कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि मोहल्ला बम्बाघेर निवासी जावेद नाम के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 20 अवैध नशे के इंजेक्शन बरामद किए। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही आरोपी एक अन्य मामले में भी काफी समय से फरार चल रहा था। कोतवाल ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी कई मामले कोतवाली में दर्ज हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उक्त आरोपी नशे का अवैध कारोबार कर रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी द्वारा नशे के अवैध कारोबार से अर्जित की गई अवैध संपत्ति की जांच की जा रही है। नगर पुलिस ने फिर नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, एक सौदा नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, किस प्रकार की कार्रवाई की गई? देखिए, रामनगर पुलिस में लगातार नशे के विरुद्ध कार्य कर रही है। इसी क्रम में हमारे द्वारा एक अभियुक्त जावेद बम्बाखेर निवासी है, जो काफी समय से नशे के कारोबार में लिप्त था तथा हमारे एक अन्य NDPS के मुकदमे वांछित था 29 NDPS एक्ट में, उसको हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार के बाद पूछताछ में उसके द्वारा अपने जहां अड्डे पे वो बेचता था वहां से उसने 20 इंजेक्शन नशे के पुलिस को बरामद कराए हैं, और अभियुक्त द्वारा इस नशे के कारोबार से कुछ अवैध संपत्ति भी अर्जित की है, उसकी जानकारी की जा रही है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर हमारे न्यायालय पेश किया जा रहा है, इसके संबंध में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नशे के सौदागर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि लगातार रामनगर क्षेत्र में नशे के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। उन्होंने बताया कि इस मामले में बम्बाघेर निवासी जावेद नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, और उन्होंने बताया कि उसकी निशानदेही पर पुलिस द्वारा 20 नशे के अवैध इंजेक्शन उसके कब्जे से बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी NDPS एक्ट के कई मुकदमे दर्ज हैं और वर्तमान में जेल से जमानत पर चल रहा है, और उन्होंने ये भी बताया कि आरोपी की लंबे समय से शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद कल पुलिस टीम द्वारा इसे गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही पर 20 नशे के प्रतिबंधित इंजेक्शन उसके कब्जे से बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। तो वही कोतवाल ने बताया कि आरोपी द्वारा जो नशे का सौदागर जावेद है, उसके द्वारा नशे के अवैध कारोबार से जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है, उसकी भी जांच की जा रही है और उच्च अधिकारियों को उसको रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। मामले की जांच करने के बाद वैधानिक कार्रवाई करने की बात उनके द्वारा कही गई है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेएनएन न्यूज। ये खबर आपके लिए तैयार की थी हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।